मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसकी खूबसूरती देखने हर कोई एक बार जरूर जाना चाहता है। तो आज हम इस वीडियो में घूमेंगे मनाली की मॉल रोड और जानेंगे नागर कैसल का इतिहास, जहां जब वी मेट जैसी और भी कई मूवीज की शूटिंग भी हुई है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे मात्र 20 मिनट में शिमला से मनाली आ सकते हैं और यहां आकर कहां स्टे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मनाली घूमने का ये वीडियो। यूँ तो शिमला से मनाली का डिस्टेंस लगभग 248 किलोमीटर्स है, जो कि आप बाय रोड 7 से 8 घंटों में कवर कर सकते हैं, जिसमें कि आपका पूरा एक दिन वेस्ट हो जाता है। शायद आप में से कई लोगों को शिमला से मनाली पहुंचने का सिर्फ बाय रोड ऑप्शन ही पता होगा, लेकिन शिमला से मनाली आप बाय रोड के साथ साथ बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, जो कि मात्र 20 मिनट में आपको कुल्लू एयरपोर्ट पहुँचा देती है। और कुल्लू से मनाली आप टैक्सी या बस से लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तय करके मनाली पहुंच सकते हैं। अगर आप मॉल रोड के पास प्रॉपर पार्किंग वाले होटल में स्टे करना चाहते हैं, तो आप मॉल रोड से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर होटल हॉलीडे हाइट्स एंड स्पा मनाली में स्टे कर सकते हैं, या फिर इतनी ही दूरी पर आपको प्रॉपर पार्किंग वाले और भी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। इस होटल का फुल रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है। अगर आप में से कोई इस होटल का फुल रिव्यू वीडियो देखना चाहता है, तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो लीजिए, अब हम आ गए हैं मनाली की मॉल रोड पर। चाहे कपल्स हों या फिर फुल फैमिली या फ्रेंड्स, आप यहाँ एक अच्छी शाम बिता सकते हैं। मनाली की मॉल रोड ज़्यादा इंक्लाइंड यानी चढ़ाई वाली नहीं है, इसलिए यहाँ ओल्ड एज के लोग भी पैदल घूम सकते हैं। यहाँ शॉपिंग, खुशबूदार खाने और सोवनियर शॉप जैसी अलग अलग प्रकार की शॉप्स का आनंद भी ले सकते हैं। बड़े रेस्टोरेंट से लेके चाय की टपरी तक और प्योर वेज से लेके नॉन वेज तक, आप यहाँ सभी प्रकार के व्यंजनों का लुफ्त उठा सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत की जूस की शॉप पे ग्रेप्स के जूस के साथ, जो कि विंटर्स में भी काफ़ी रिफ्रेशिंग था। उसके बाद हमने हिमाचल की लोकल डिश सिडू भी ट्राई किया। बेसिकली सिडू एक फर्मेंटेड वीट फ्लावर से बनी एक ब्रेड में अखरोट और मूंगफली की फिलिंग वाला हिमाचली स्नैक्स है। इसमें और भी अलग अलग तरह की फिलिंग डाल के इसको बनाया जाता है, जिसको यहाँ के लोकल्स देसी घी में डुबोकर खाते हैं। पर हमें यहाँ पर हरी और लाल चटनी के साथ इसे सर्व किया था। ये खाने में चटपटा और काफ़ी टेस्टी था। अगर आप मीठे के शौकीन हैं, तो आप यहाँ रबड़ी, गुलाब जामुन और गर्मा गर्म जलेबी भी ट्राई कर सकते हैं। फिर हमने चिकन मोमोज भी ट्राई किए, जिसका टेस्ट मुझे एवरेज लगा, क्योंकि मनाली में मैंने इससे बेटर मोमोज भी खाए हैं। लेकिन आई एम श्योर मनाली की मॉल रोड पे आपको कहीं ना कहीं टेस्टी मोमोज भी मिल जाएंगे। आपको यहाँ ये प्यारे प्यारे मिनी गुलाब जामुन भी खाने को मिल जाएंगे, पर इनका टेस्ट चाशनी में डूबी मैदा की बॉल्स जैसा था। ये सिर्फ देखने में ही प्यारे थे।
शाम के वक्त मनाली के ठंडे ठंडे मौसम में रोड साइड पे बैठ के चाय पीना तो मस्त है यार। बाकी आप यहाँ मॉल रोड के पास बनी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी घूम सकते हैं, ये एक काफी पीसफुल जगह है। नागर कैसल। नागर कैसल इंडिया में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू टाउन में बना एक महल है, जिसे राजा सिद्ध सिंह ने लगभग 1460 एडी में बनवाया था। इसकी एंट्री फीस 50 रुपीस पर पर्सन है, जिसमें आप पूरा कैसल घूम सकते हैं। द नागर कैसल इज अ मैग्निफिशेंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। ये एक यूरोपियन और हिमालयन आर्किटेक्चर का इम्प्रेसिव कॉम्बिनेशन है। नागर कैसल में एक म्यूजियम भी बना हुआ है, जो कि यहाँ की परंपरा को दर्शाता है। सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द म्यूजियम्स कलेक्शन आल्सो इंक्लूड्स एंटीक वेपन्स, हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजियम में देखने के लिए मेन अट्रैक्शन है स्टोन एंड वुड की कार्विंग्स, मेटल वर्क, पेंटिंग्स एंड टेक्सटाइल्स। इस कैसल को यहाँ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एक हेरिटेज होटल में बदल दिया है, जहाँ लोग स्टे कर सकते हैं और यहाँ की हिस्ट्री एंड कल्चर को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। द कैसल हैज़ ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर एंड इज सेट इन अ पिक्चरस लोकेशन ओवरलुकिंग द कुल्लू वैली। और इसी कैसल में स्टारिंग शाहिद कपूर एंड करीना कपूर की मूवी जब वी मेट का ये इश्क हाई सॉन्ग भी शूट हुआ है। इसके अलावा और भी कई मूवीज एंड सॉन्ग्स इस कैसल में शूट हुए हैं। So thank you so much for watching my video. I hope you enjoyed coming along on this adventure with me. If you did, make sure to hit the subscribe button and turn on the notifications so you can never miss my video. That's it for today, but don't worry, I'll be back soon with more exciting content. Until then, stay curious, stay adventurous, and I'll see you in the next one. You can also follow me on Instagram. Thanks for watching.